भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए चुना है। मुर्मू जी ने शिक्षा और जनजाति कल्याण के लिए सर्वोत्तम कार्य किया है। चलो जानते हैं कुछ और उनके बारे में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म सन 1958 को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के संथाल आदिवासी समुदाय से है। द्रौपदी की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके दो बेटे और एक बेटी है। उन्होंने रमादेवी महिला महाविद्यालय भुवनेश्वर से पढ़ाई की है। उसके बाद उन्होंने श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर में मानद सहायक प्रोफेसर के रूप में सेवा दी। फिर वह ओडिशा सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया। नौकरी छोड़ने के बाद वह अपने क्षेत्र के आदिवासी जनजाति के शिक्षा एवं उनके उत्थान के लिए कार्य किया। लोगों ने उन्हें पॉलिटिक्स में आने को मनाया। बाद में वो 1997 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। वो 1997 में उड़ीसा के रायरंगपुर जिला पार्षद के रूप में चुनी गई। मुर्मू ठीक उसी वर्ष रायरंगपुर की उपाध्यक्ष बनी। 2000 के विधानसभा चुनाव में वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई और उन्हें 2002 तक परिवहन और वाणिज्य विभाग दिया गया। वह 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर जिला पार्षद के रूप में चुनी गई। मुर्मू ठीक उसी वर्ष रायरंगपुर की उपाध्यक्ष बनी। 2000 के विधानसभा चुनाव में वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई और उन्हें 2002 तक परिवहन और वाणिज्य विभाग दिया गया। उड़ीसा सरकार ने उन्हें 2002 में मछली और पशुधन के पोर्टफोलियो से सम्मानित किया। उन्होंने वर्ष 2004 तक इस पद पर रहे। मुर्मू ने 2002 से 2009 तक मयूरभंज जिले के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2004 में वह रायरंगपुर की विधायक चुनी गई। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2006 में उड़ीसा के अनुसूचित मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। 2010 में मयूरभंज जिले के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष को फिर से नियुक्त किया गया। 2013 में वो तीसरी बार उसी जिले के लिए भाजपा की जिला अध्यक्ष बनी। 2015 में वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। वह उड़ीसा की पहली महिला और आदिवासी नेता है जिन्होंने भारतीय राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया गया। साल 2007 में मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए सम्मानित किया गया था। ओडिशा की विधानसभा ने उन्हें वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। द्रौपदी मुर्मू एक महिला राजनेता होने के बाद भी ज़्यादा संपत्ति की मालकिन नहीं है। उनके मात्र मुश्किल से बुरी परिस्थितियों में अपने घर को संभालने के लायक संपत्ति है, जो कि मात्र 9.5 लाख रुपया। इसके अलावा न कोई आभूषण, न कोई जमीन, न ही कोई चल और अचल संपत्ति। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होने वाले हैं और मतगणना 21 जुलाई को होगी। विपक्ष की तरफ से जयंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुना गया है। और रोचक जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।